नमस्कार, उनकी कलम मेरी आवाज में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी शब्दातीत, जिसे लिखा है हमारी चहेती लेखिका मालती जोशी जी ने। सुनो, सो गई क्या? इन्होंने मेज पर काम करते करते ही आवाज दी। क्या है? मैंने आवाज में आलस भरकर कहा। इतनी रात गए, अब किसी इंटरेस्टिंग केस का भीतर बाहर समझने की शक्ति मुझ में नहीं थी। वह चिट्ठी लिख दी क्या तुमने? सुनकर मैं भीतर तक काठ हो आई। पहले से जानती तो उत्तर ही ना देती। एक पत्र लिखना है और तुम्हें 3 दिन से फुर्सत ही नहीं हो रही। पर आपको क्या? मुझे क्या पड़ी है? 3 दिन से बाबूजी के नाम से पत्र लिख रखा है। तुम माँ जी के लिए 2 शब्द लिख देती तो कल पोस्ट कर देता। आप 20 पैसे की बचत चाह रहे होंगे तो यह नहीं हो सकता। मुझे लंबा पत्र लिखना है और अलग से लिखना है। तीर निशाने पर बैठा था। एज यू लाइक कहकर वे फिर फाइलों में डूब गए। पर मेरी नींद, जिसने 3-4 दिन बाद आज मुझ पर कृपा चाही थी, फिर दूर भाग गई। मैं छत की कड़ियां गिनते हुए पत्र का मजमून बनाने लगी, जो मुझे माँ को लिखना था। पूजनीय माँ, अभी कुछ दिन हुए पूज्य बाबूजी का पत्र मिला। यह जानकर अत्यंत दुख हुआ कि पूज्य मामा जी का एक भीषण आघात में देहावसान हो गया। उनकी असामयिक मृत्यु। अचानक भान हो आया, यह तो मेरा पत्र नहीं है, यह तो इनके ही पत्र की प्रतिध्वनि मात्र है। मेरा अंतर्मन तो कुछ दूसरी ही बात लिख रहा था। नई माँ, तुम्हें नई माँ कहलाना पसंद नहीं है ना? पर क्या करूं, तुम्हें सिर्फ माँ कहकर पुकारते हुए हमेशा जबान लड़खड़ा जाती है। बाबूजी का पत्र आया है। उसकी मृत्यु का आघात इतना अधिक था कि अपघात का वृत्तांत पढ़ा ही नहीं गया, तो वह चला गया। वह जिसने नीरस बचपन के कुछ क्षणों को रस और रंग से भर दिया था, जो कुछ दिनों के लिए मेरे लिए गुरु, सखा, बंधु, सभी कुछ था, जो कुछ उससे पाया उससे उऋण होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। धन्यवाद भी कर सकती तो? धन्यवाद तो माँ तुम्हारा भी करना है। प्रथम परिचय की सूत्रधार तुम ही तो थी। घंटी बजते ही सारी चिड़िया फुर्र से घोंसलों की ओर उड़ गई थी। मैं टांगों को घसीटती, कंधे पर बस्ते को लथेड़ती हुई घर की ओर चली जा रही थी। दिल करता था रात तक स्कूल चला करे तो कैसा हो। तब घर जाकर खाना और सोना 2 ही काम रह जाएंगे। पता नहीं क्यों घर एक जेल खाना सा जैसा लगता था। निरंतर बीमारी से जूझती माँ जब जीवित थी तब भी वहाँ कोई आकर्षण नहीं था। उनकी मृत्यु के बाद तो सारे बंधन मानो टूट से गए। बाबूजी उन दिनों पराये से लगते। तुम थी पर मेरे लिए तुम्हारा अस्तित्व माँ की मृत्यु के बाद बारी से घर में रहने वाली बुआ, नानी या रिश्ते की किसी दादी से अलग नहीं था। इन सब के साथ एडजस्ट होते होते मेरा बाल मन पस्त हो जाता था। फिर तुम्हारे नाम के साथ सौतेला शब्द मेरी कल्पना में कई करुण कहानियों का सृजन करता था। तो सदा की भांति उस दिन भी मैंने बुझे हुए मन से घर में प्रवेश किया। अपने नियोजित स्थान पर बस्ता टांग कर मैं तुम्हारी आवाज की प्रतीक्षा करती रही। मेरे बच्चे तो स्कूल से आते ही बस्ते जहां तहां पटक कर पहले खाने की फरमाइश करते हैं, पर मेरे बचपन की भूख ना जाने कहां खो गई थी। कुमोद आई माँ। यहाँ नई
कहते कहते अक्सर जबान काट लेती थी। रसोई में रोज की तरह आसन लगाकर मेरे लिए दूध नाश्ता रखा हुआ था। बेटे अपने मामा जी को भी आवाज दे ले, तुमने कहा। तब देखा कि आसन दो लगे हैं। उसी निर्लिप्त भाव से लौटकर सारा घर देखाई, पर मामा जी का पता ना था। शैतान कहीं निकल तो नहीं गया? विनोद, तुम्हारी धारदार किंतु महीन आवाज घर में गूंजी और दूसरे ही क्षण रसोई के दरवाजे पर नीला हाफ शर्ट और सफेद हाफ पैंट पहने एक लड़का खड़ा था। तो यह बुद्धू राम थे, इन्हें तो मैं देख आई थी। माँ के पलंग पर पेट के नीचे तकिया रखकर टांगे हवा में नचाते हुए अली बाबा 40 चोर पड़ रहे थे। पर मैंने सोचा था मामा जी के सुपुत्र होंगे। दीदी, यह बूढ़ी सी लड़की कौन है? शर्म और अपमान से मैं लाल हो उठी थी। मेरे दूध के दांत गिरने बंद हो गए थे, पर कई रिक्त स्थानों की पूर्ति अभी शेष थी। विनोद, तुमने तीखे स्वर में कहा, फिर तुम्हारी मुद्रा स्वतः ही तरल हो आई। मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए तुमने कहा था, यही तो कुमुद है, हमारी बेटी। सच कहना, हमारी बेटी कहते हुए तुम्हारा स्वर कांप नहीं गया था? दीदी, तुम अपनी इस बेटी के लिए कॉपियां वगैरह क्यों नहीं ला देती? देखो ना, बेचारी को मुंह पर सवाल करने पड़ते हैं। अब मेरी बर्दाश्त से बाहर था। मुंह धोने के बहाने मैंने गुसल खाने की शरण ली और वहीं से तुम्हें उसे डांटते हुए सुनती रही। लिखते लिखते मुंह में पेंसिल दे लेना या गाल पर गोल गोल घुमाते रहने की मुझे बुरी आदत थी, पर उसके लिए इतना शर्मिंदा पहले नहीं होना पड़ा था। यह पहली सलामी थी। दूसरे दिन फिर स्कूल से लौटकर आई थी कि बगीचे से आवाज़ आई, ए बूढ़ी लड़की, इमली खाएगी? चौंक कर देखा, पेड़ के तने से टिका वह बड़ी शान से बैठा था। उसकी जेबों से इमली झांक रही थी। मेरा नाम कुमुद है, मैंने बड़ी कठिनाई से आवाज़ में रौब भरते हुए कहा। अरे हाँ, भूल ही गया था, कुमुद रानी, इमली खाओगी? मैंने हाथ बढ़ाया, उसने एक कटार मुझे देने का दिखावा किया और लपक कर मुँह में रख ली। 24 घंटे के घोर अपमान एकदम उफना गए और मैंने जोर से उसकी बाह में काट खाया। इस हमले के लिए वह तैयार नहीं था और बड़ी जोर से चीख उठा। कुतिया कहीं की, उसने हिकारत से कहा। बाह में खून निकल आया था, मेरा मुंह भी खारा हो गया था। दौड़कर मैंने हौज के पानी से 7-8 कुल्ले किए और तब मुझे अपने किए का भान हुआ और भविष्य की आशंका एक राक्षस की तरह मुझे निगलने लगी। जी हुआ इसी हौज किनारे बैठी रहूं, हो सके तो डुबकी लगा जाऊं जिससे घर न जाना पड़े। अगर वह अपना धाव धोने हौज पर ना आता तो शायद मैं वहीं बैठी रहती। थोड़ी देर में मन में करुणा जागी और पट्टी बांधने के बहाने संधि का प्रस्ताव रखने की भी इच्छा हुई, पर उसकी आंखों में तिरस्कार की छाप इतनी स्पष्ट थी। उस दिन शाम मैंने ढेर सा होमवर्क किया, सर किताब से उठाया ही नहीं। बस तुमने खाने के लिए आवाज़ दी तभी उठना पड़ा। मैं, बाबूजी और वह तीनों के लिए आसन बिछे थे। खाते समय देखा उसके हाथ में पट्टी है। क्या हुआ रे, काहे की लगा लाया है? उसकी थाली में दाल परोसते हुए तुमने पूछा था। मेरे मुंह का कौर गले में ही अटक गया था और कांपते मन से उसके उत्तर की प्रतीक्षा करती रही। पेड़ से गिर गया था, राहत की सांस लेकर मैंने कृतज्ञ भाव से उसकी ओर देखा। वह निर्विकार भाव से खाना खा रहा था, पर उसकी बेरुखी मुझे खली नहीं। सद्भावना का वह जरा सा क्षण भी
मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण बन गया था। दूसरे दिन उसे अकेले देखकर मैंने आवाज़ दी, क्या है? कितनी सारी बातें मैं समेट कर गई थी। उसे धन्यवाद देना था, कुछ अपने व्यवहार की सफाई भी देनी थी, कुछ दुख प्रदर्शन भी करना था, पर समय पर सब भूल गई। बस इतना ही पूछा, क्या बहुत दर्द हो रहा है? होता भी हो तो तुम्हें क्या, उसने रुखाई से कहा। सहज स्नेह का प्यासा मेरा मन इतनी घृणा सहन नहीं कर पाया और अनजाने ही मेरे गाल आंसुओं से भीग चले थे। मेरे आंसुओं ने उसके किशोर अंतःकरण में किसी संवेदनशील पुरुष को जगा दिया था। सारा मनोमालिन्य पलक मारते घुल गया। पता ही नहीं चला उसने कब मुझे कुम्मी और मैंने उसे विनोद कहना प्रारंभ कर दिया था। तू हमेशा रोनी सी सूरत क्यों बनाए रहती है? तभी तो छेड़ने का मन होता है, विनोद ने कहा था। माँ की याद जो आती है, मैंने जो जवाब सूझा दे दिया। दरअसल मैं खुद नहीं जानती थी कि मुझे क्या दुख है, बस कसक सी अनुभव करती थी। धत पगली, उसके लिए कोई रोता है? मुझे देख पापा कितना याद आते हैं, पर हमेशा हंसता रहता हूँ। पर यह बात कहते हुए उसके चेहरे पर जो भाव था निश्चय ही वह हंसी का नहीं था। तो क्या तुम्हारे पिता नहीं हैं? मन में सहानुभूति से ज्यादा था कौतूहल। तौलना चाहती थी कि कौन सा दुख अधिक बड़ा है। पापा होते तो क्या दीदी को इस तरह बूढ़े से ब्याह देते? विनोद, मैं चीखी। एकाएक बाबूजी बहुत ज्यादा अपने लग उठे थे। तब उसे भान हुआ कि वह क्या कह गया है और एकाएक बहुत शर्मिंदा हो उठा। विनोद, मेरे बाबूजी अच्छे हैं, मैंने भर्राए गले से कहा। मेरी दीदी भी बहुत अच्छी हैं, वह दूर कहीं देखता हुआ बोला। अगर पापा जिंदा होते, अगर मैं ही बड़ा भाई होता तो, अगर हमारे पास थैली भर रुपए होते तो। उसकी आंखें वेदना में डूब गईं। चाचा जी बहुत दुष्ट हैं कुम्मी। मेरा मन भीतर तक पसीज उठा। निश्चय ही उसका दुख मुझसे बहुत बड़ा था और इतनी सारी वेदना के साथ वह बिल्कुल अकेला पड़ गया था, मेरी ही तरह। दुख कितनी जल्दी दो हृदयों को बांध देता है। चाचा जी सचमुच बड़े दुष्ट रहे होंगे, तभी तो तुम लौट कर कभी पीहर नहीं गईं। हार कर बाद में उन लोगों ने बुलाना ही छोड़ दिया। मन नहीं मानता तो नानी ही कभी कभार आकर तुम्हें देख जाती, लेकिन विनोद हर छुट्टी में आता था। उन दिनों ट्रेन की सीटी प्यारी लगती थी। सारा साल उन्हीं दिनों की प्रतीक्षा में बीतता, मानो समय के रेगिस्तान में हरियाली के वे ही गिने चुने ठौर थे। वह मेरा गुरु था। गणित और अंग्रेजी की जानलेवा पढ़ाई उसी की मदद से सरल हो जाती थी। वह मेरा सखा था। गर्मियों के लंबे दिन और उमस भरी शामें उसके साथ पलक झपकते बीत जाती थीं। वह मेरा बंधु था। सहेलियों की कट्टी मिट्टी से लेकर किसी राह चलते मजनू की शिकायत तक सब कुछ वह एक सी तन्मयता से सुनता। अपनी लिखी टूटी फूटी कविताएं उसे दिखाते हुए शर्म ना आती थी। अपने बनाए हुए स्वेटर पर उसकी प्रशंसा की मुहर लगने पर मन खिल खिल जाता था। फिर उसके आते ही तुम कितनी बदल जाती। तुम्हारा अतृप्त वात्सल्य, जिसे सहज रूप में मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकी, एकाग्र होकर उसी पर बरस जाना चाहता था।
घर में उसका अस्तित्व एक सुगंध की तरह होता था जो वातावरण में भर जाती थी। जिस दिन उसे नौकरी मिलने की खबर तुम्हें लगी थी, तुमने मंदिर में 5.25 किलो लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाया था। सच कहती हूँ माँ, मिठाई भी कड़वी लग सकती थी, यह मैंने उस दिन अनुभव किया। विद्यार्थी जीवन में अनायास ही मिलने वाली लंबी छुट्टियाँ उससे छिन गई थी और मैं उसी का मातम मना रही थी। पता नहीं उसने इस अभाव को जाना भी कि नहीं, शायद अपने पैरों पर खड़े होने का सुख माँ को चाचा की दासता से मुक्त करने का सुख अधिक बड़ा हो, क्योंकि नौकरी मिलने के बाद वाली उसकी हर चिट्ठी उमंग और खुशी से भरपूर होती थी। हर चिट्ठी में मेरठ आने का निमंत्रण होता, तुम बराबर टाल जाती। मैके वालों के प्रति तुम्हारा आक्रोश मानो अब भी उतना ही ताजा था। तब एक दिन उसका अल्टीमेटम आया, दीदी मेरी बहुत इच्छा है कि इस बार राखी मेरे अपने घर में मनाई जाए, तुम ना आई तो समझ लो यह मेरा आखिरी पत्र होगा। विनोद पुनश्चह, तुम्हें थोड़ा सा लालच भी दे दूं, यहाँ कुम्मी के लिए 2-4 लड़के भी देख रखे हैं, इसीलिए उसे और जीजा जी को साथ लाना ना भूलना। यह प्रलोभन सचमुच बहुत बड़ा था और तीसरे ही दिन हम लोग मेरठ के लिए रवाना हो चुके थे। उन दिनों मैं हाई स्कूल पास करके कॉलेज जाने लगी थी। आगे पढ़ने का बेहद चाव था, पर घर में जैसी सरगर्मी थी उससे इंटर भी कर पाना मुश्किल जान पड़ता था। पता नहीं क्यों बाबूजी सोचने लगे थे कि वे ज़्यादा दिन नहीं जिएंगे और इसीलिए मेरे हाथ पीले करने की उन्हें जल्दी थी। अब उनसे कौन कहता कि ब्लड प्रेशर एक आम बीमारी है, उससे कोई मरता नहीं। पर जिसने कभी बचपन में खिलौनों के लिए भी पिता से हठ ना किया हो, वह शादी को लेकर क्या तकरार करती। लड़कियां ऐसे अवसरों पर माँ के आंचल की ओट लेती हैं, पर मेरे लिए तुम एक श्रद्धा की, सम्मान की वस्तु थी। इससे ज़्यादा समीप तुम्हें कभी नहीं पाया, लिहाजा उस वर्ष राखी मेरठ की हो रही। विनोद और नानी दोनों की खुशी का ठिकाना ना था। पता नहीं क्यों नानी मुझे सदा से ज़्यादा अपनी लगती रही थी। छोटा सा घर था, सामान भी ज़्यादा नहीं था, पर अपनत्व की भावना में तुम तीनों डूब गए थे। बहुत दिनों बाद माँ के पास आने से तुम भी कुछ सहज हो आई थी। कर्तव्य और भावना के निरंतर संघर्ष से तुम्हें कुछ दिनों के लिए आराम मिल गया था। मेरे लिए दौड़ धूप शीघ्र ही प्रारंभ हो गई थी। कुंडली और ग्रह योगों की चर्चा जोरों पर थी। मेरठ के कुछ फोटोग्राफरों के स्टूडियोज को भी मैंने गौरवान्वित किया था और अपने 1 दर्जन चित्रों में कुछ और की वृद्धि की। सारा मोहल्ला ही मुझे विवाह हेच्छु कन्या के रूप में जान गया था, क्योंकि जो भी मिलता किसी अच्छे घर का पता दिए बिना नहीं रहता। तुमने तो पूरी एक लिस्ट ही बना ली थी जिसमें लाल और नीली स्याही से उत्तम और मध्यम घरों पर चिन्ह लगाए गए थे। तुम लोग कभी 2 कभी 3 का ग्रुप बनाकर इस मिशन पर निकल पड़ते। आए दिन घर पर प्रदर्शन होता और रात देर तक सम्मानित अतिथियों पर टीका टिप्पणी होती। जो लोग तुम्हारी इस श्यामांगिनी को स्वीकारने में अपनी असमर्थता बताते, उन्हें अपने 7 पुश्तों सहित नानी की सरस्वती में गोता लगाना पड़ता। जो लोग कुछ 1,000 रुपयों के एवज में मुझ पर अनुग्रह करने की तत्परता दिखाते, उन पर तुम्हारा और विनोद का रोब उमड़ आता। विवाह की समस्या अपनी समस्त कुरूपता के साथ तुम्हारी आंखों के सामने नाच उठती थी, परंतु मेरे सिर पर बाबूजी थे, शायद इसीलिए मेरे कल्याण के प्रति तुम अधिक सजग हो उठी थी।
अन्याय की आंच में जीवन भर तप कर तुमने अन्याय से लोहा लेना सीख लिया था। हफ्तों की दौड़ धूप के बाद एक दिन विनोद हांफता हुआ घर में घुसा। दीदी, ओ दीदी, कहाँ हो? जल्दी से मिठाई के लिए पैसे निकालो। क्या है, क्या हो गया? कई उत्सुक स्वर एक साथ बोल उठे। अरे, होना क्या है, बात पक्की हो गई। दरवाजे पर रोज रोज धरना देकर मितुर महाराज को तुम्हारी काली कलूटी लड़की के लिए पटा आया हूँ। और कोई दिन होता तो तुम और नानी इस काली कलूटी के लिए उस पर बरस पड़ती, पर उस दिन खुशी के ज्वार में उसका यह अपराध बह गया। हाय, सच? तुम बस इतना कह पाई थी? हाँ, और अब जल्दी से मेरे लिए दो जोड़ी जूतों का इंतजाम करो। इनकी हालत देखो क्या हो गई है। कहते हुए उसने धूल से अटे हुए अपने जूतों का नाटकीय प्रदर्शन किया। तू जूतों की कह रहा है? तेरे लिए तो सूट सिलवाऊंगी। तूने वो काम किया है? तुम्हारी खुशी चेहरे से फूटी पड़ रही थी। सूट तो बनवाना ही पड़ेगा। उनके यहाँ इतनी बार गया हूँ कि मेरे कपड़े वे देख चुके हैं। अरे, कोई पानी वानी तो पिलाओ, धूप में सिक कर आया हूँ। फौरन भाग दौड़ शुरू हो गई। नानी ने पड़ोस के लड़के को भेजकर बर्फ मंगवाया। मैंने कैरी घोलकर शरबत बनाया। तुम बरामदे में बैठे बाबूजी को यह सुसंवाद देने चली गई। शरबत लेकर मैं कमरे में गई, तब वह निढाल होकर बिस्तर पर पड़ा था। ग्लास लेते हुए बोला, वाह, लड़कियों की भी क्या तकदीर होती है। डॉक्टरी पास की नहीं और डॉक्टरानी बन गई। अरे करमजली, थोड़ा हंस तो दिया कर। यहाँ तो दौड़ दौड़ कर तलवे घिस गए और इनकी शक्ल पर देखो तो वही 12 बज गए हैं। तो कहा किसने था आपसे? यूं ही तब से एहसान जता रहे हैं, मैंने तुनक कर कहा। काली कलूटी वाला शल्य अब भी साल रहा था। अच्छा जी, थैंक्स तो देना दूर, ऊपर से यह तुर्रा। उसके हाथ से ग्लास लेकर मैं लौटने ही वाली थी कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। कुमी, उसका स्वर इतना बदला हुआ था कि मैं चौंक गई। उसका चेहरा एकाएक गंभीर हो गया था। इतने दिनों तक तो पता नहीं किस नशे में दौड़ धूप करता रहा, पर अब लगता है यह संभव है। क्या संभव है? यह संभव है कुमी, मैं तेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तेरी शादी की कल्पना से ही मन पर कैसी आरी सी चल रही है। विनोद, हाँ कुमी, मैं पागल था जो इतने दिनों तक यह बात नहीं जान सका। कैसा आश्चर्य है ना, मेरे ही मन की बात मुझी से छिपी रही। मेरे दोनों हाथ उसने थाम रखे थे। उसका स्पर्श मेरे लिए नया नहीं था, पर उसका अर्थ अवश्य नया हो गया था। उन हाथों की गिरफ्त में ही यह रहस्य मुझ पर प्रकट हुआ कि क्यों शादी की चर्चा से मेरा मन कभी आंदोलित नहीं हुआ, क्यों मेरे मन में भावी वर के लिए कोई तरंग नहीं उठी। विनोद, अब क्या होगा? मन में कितना कुछ उमड़ रहा था, पर होठों से केवल यही शब्द बाहर आए। क्या होगा? कुछ तो करना ही पड़ेगा, और वह मैं ही वह करूंगा। मैं कहूंगा, मैं साफ साफ कह दूंगा। मैं धीरे से उठाई। एक अस्फुट भय, एक अज्ञान आशंका मन को व्याप्त कर गई थी। तुम लोगों ने अधिक समय खोना ठीक नहीं समझा। दूसरे दिन ही शगुन के रुपए दे आने का प्रोग्राम बना। घर में अजीब चहल पहल थी। रसोई में नानी मिठाई का थाल सजा रही थी। बाबूजी तैयार होकर बरामदे में चहलकदमी कर रहे थे। तुम्हारी हड़बड़ी का तो कहना ही क्या था, एक पैर भीतर था तो एक पैर बाहर। इन सब से उदासीन मैं,
बीच वाले कमरे में बैठी एक मेज पोश काटने का प्रयास कर रही थी। तुम शायद रुपए निकालने के लिए कमरे में आई, तुम्हारे पीछे ही एक आवाज आई, दीदी। आह, शायद सुई उंगली में चुभ गई थी। मुंह में उंगली देकर मैं चुप बैठी रही, ऊपर देखा तक नहीं। दीदी, क्या है रे, तांगा आ गया क्या? बस तैयार हूं मैं, देख अभी ये 501 निकाल रही हूं, ठीक है ना? तू बोलता क्यों नहीं और अभी यूं ही खड़ा है, तैयार नहीं होगा क्या? तेरा चेहरा कैसा हो रहा है, धूप तो नहीं लग गई? ला देखूं तेरा हाथ। कमरे में मेरा दम घुटा जा रहा था, पर पामों ने तो जवाब दे दिया था। उठती कैसे? विनोद, कुछ कह तो भैया, क्या वहां से कोई संदेश आया है? दीदी, याचना में डूबा यह स्वर क्या उसी का था? दीदी, कुमुद को मुझे दे दो, मैं उसके बिना रह नहीं सकता। तड़ाक, कमरे में जैसे बिजली कौंध गई और उसके साथ ही तुम बरस पड़ी। बेहया, बेशरम, निकल जा मेरे सामने से। पता नहीं तुम कितनी देर और क्या क्या कहती रही, यहां होश किसे था, मन तो जैसे सुन्न हो गया था। इतना ही याद पड़ता है कि उसी तांगे से हम लोग स्टेशन आ गए थे। घर पहुंचकर जो पहला वर मिला उसी के साथ मुझे ब्याह दिया गया। 12 वर्ष बीत गए हैं, उसे फिर कभी नहीं देखा, पर इतने अरसे बाद भी जब उस दिन की याद आती है तो माँ, वेदना में डूबी उसकी आवाज़ कलेजे को मथ डालती है, मन में जैसे एक हूक सी उठती है। कुमुद, कुमुद। सिर पर स्नेहिल स्पर्श का भान हुआ, मैंने करवट बदल कर देखा, सिरहाने वे बैठे हुए थे। पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा आभास हुआ कि तुम सो रही हो, यहाँ आकर देखा कि तुम्हारी तो हिचकी बंधी हुई है। आंसुओं से भीगा अपना मुंह मैंने दोनों हाथों से ढांपने की चेष्टा की, पर उन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिए और थपथपाते हुए बोले, आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। लाख खून का ना सही, रिश्ता आखिर रिश्ता होता है। फिर भी कहूँगा, यू हैव बॉर्न इट ब्रेवली। मैं निःशब्द होकर उनकी संवेदना झेलती रही। आशा है कि यह हृदय स्पर्शी कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए एक लाइक करें, अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इससे जुड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ, तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।